फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ट्रेडिंग सेशन। आज मैंने टोटल 4 स्टॉक में ट्रेड किया है और मैं आपको उसके पीछे का लॉजिक बताऊंगा। तो पहले आप हम सिनेरियो समझ लेते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, आज हमने देखा कि सबके सब स्टॉक्स क्या हुए थे, गैप डाउन ओपन हुए थे और फिर बाद में इसमें शार्प रिकवरी हुई है। अभी मैंने जो स्टॉक में ट्रेड किया है वो पहला स्टॉक था ऑरो फार्मा। अगर हम इस स्टॉक में देखेंगे अच्छे से तो ये क्या हुआ था, अपने सपोर्ट लेवल के आसपास ही क्या हुआ, ओपन हुआ और फिर वहां पे क्या किया इसने, बायर्स इसमें सडनली इसमें क्या हुए, एक्टिवेट हुए। इतना बड़ा फॉल होने पहले अगर हम समझे कि स्टॉक गैप डाउन ओपन होने के बाद क्या होता है, इसमें बायर्स एक्टिवेट थे, मतलब ये स्टॉक बुलिश था। पर ये स्टॉक में क्या होता है, जैसे ये स्टॉक ऊपर जाए, अब देखिए जब स्टॉक लगभग कहां से जा रहा था, ये स्टॉक 888 के पास से कहां तक गया, ये स्टॉक 911 के लगभग 965 के लगभग ये स्टॉक ऊपर गया। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये स्टॉक 2% के पास की मूव कर चुका है। जो भी स्टॉक 2% तक की मूव करता है ना, उस स्टॉक में करेक्शन पेंडिंग रहता है। तो जैसे ही स्टॉक ने एक रेड कैंडल बनाई, जिसने ऐसे अपने प्रीवियस लो के नीचे जैसे इसने ट्रेड करना शुरू कर दिया, मैंने वहां पे एंट्री ली और हाई के पास मैंने मेरा SL वहां पे लगा लिया। अब ये स्टॉक क्या कर रहा था, प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे की साइड फॉल हो रहा था, पर यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे ड्रॉ कर ली थी। अगर हम इसको ठीक से देखेंगे तो इसने क्या किया है, इस स्टॉक ने अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और ये अपने लगभग अपने SL के पास ही जा रहा था। पर जैसा अपने रूल्स होते हैं, मैं मेरे रूल्स पे ठीक वहां पे बैठा रहा। इसने क्या किया है, अपने जो प्रीवियस SL था ना, जो मैंने यहाँ पे हाई के पास SL लगाया था, तो ये प्राइस उसके लगभग आसपास ही घूम रहा था। तो मैंने इस स्टॉक को मतलब लास्ट एंड में मैंने इसको लगाया, पर इसमें मतलब हल्का फुल्का लॉस हुआ है और ज्यादा मतलब लॉस नहीं हुआ है, मतलब जो रिस्क था उसके अंदर ही मुझे इसमें लॉस हुआ है। अभी हम देखेंगे दूसरा स्टॉक था मेरा टेक महिंद्रा। यहाँ पे भी देखिए कहाँ से जा रहा था ये स्टॉक, लगभग 1202 के पास से ये कहाँ तक गया, अगर हम देखें 1228 के पास गया, मतलब इसमें भी करीब करीब 26 पॉइंट की इसने मूव दिए, एक सडन बायर क्या हुआ इसमें एक्टिवेट हुए मॉर्निंग में। अब जैसे ही गए, वो जिन लोगों ने ये बॉटम में खरीदा होगा ना, उन लोग अपना क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, राइट। और यहाँ पे अगर हम प्राइस को ठीक से समझने की कोशिश करें, यहाँ पे अगर प्राइस को समझने की कोशिश क्या कर रहा था, देखिए इस कैंडल ने जो बनी है और ये नेक्स्ट कैंडल इसके बने, ये नेक्स्ट कैंडल ने इसने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया। अगर हम यहाँ तक कंटिन्यू देखते जाएंगे ना, किसी भी कैंडल ने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक किया ही नहीं। अब जैसे ही यहाँ पे अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करता ये रेड कैंडल बनने का, वैसे ही मैं इसके हाई को मेरा ऐसा लगा था और वहां पे मैं मेरी पोजिशन में एंटर हो जाता हूँ, स्टॉक में एंट्री कर लेता हूँ। फिर बाद में यहाँ पे ये चलता है पूरे दिन भर, क्या करता है, प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे नीचे आता है। अब यहाँ पे देखिए इसने ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया, पर इसने जो प्रीवियस अपना स्विंग है ना उसको ब्रेक किया नहीं, तो इसीलिए मैं इस स्टॉक में फिर बना लिया और बाद में एंड में जाके मैंने इस स्टॉक को करीब करीब ये इसके आसपास ही निकला। हाँ भले ही, देखिए अब क्या होता है, मेरा तो रिस्क टू रिवॉर्ड मिला ही नहीं मुझे, 1:3 के लिए मैं बैठा था पर ये गया नहीं। कभी कभी ऐसे भी दिन आते हैं मार्केट में कि क्या होता है कि प्राइस वहां तक आपका रिस्क टू रिवॉर्ड देता ही है, पर जितना मिल रहा है उतना लेने में समझदारी है, क्योंकि मार्केट आपको दे रहा है, जो लक्ष्मी आपको मिल रही है उसको लेने में ही समझदारी है, उसको कमाने में समझदारी नहीं है। इसीलिए लगभग कई सारे लोग है ना ट्रेडर बनने नहीं पाते, क्या होते हैं वो अपने रूल्स पे मतलब जो होता है मतलब बहुत रिजिड होते हैं, फ्लेक्सिबल, कभी कभी मार्केट के साथ हमें फ्लेक्सिबल बनना है, मार्केट बहुत फ्लेक्सिबल है, ये अनसर्टेन मार्केट है, वहाँ पे हमें भी कभी कभी अपने रूल्स में थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। मैं तो बैठा था पर अभी मार्केट का टाइम ही खत्म हो गया, तो मैं यहाँ पे ऐसा तो नहीं बोल सकता नहीं मार्केट अगर नहीं बनेगा, नहीं अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड नहीं देगा तो मैं इससे निकलूंगा नहीं। मार्केट यहाँ पे 315 के लगभग यहाँ पे क्लोज होता जाता है, तो फिर क्लोज होता तो फिर तो मुझे लॉस होगा, राइट, ब्रोकरेज इसको एग्जिट कर लॉस होगा। तो मैंने क्या फिर यहाँ पे समझदार इससे में कि हम इस स्टॉक से निकल जाए, यहाँ पे फिर मैंने थोड़ा वो जो प्रॉफिट आया उसमें मैंने बुक कर लिया, फिर मैंने स्टॉक में एंट्री की थी विप्रो में। इस स्टॉक में क्या था, सेम कंडीशन बनी है और यहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस मिला, मतलब क्या होता है, हमें जब
अपना तो सेटअप बन ही रहा है, और उसके साथ साथ ये कहाँ पे सेटअप बन रहा है, रेजिस्टेंस के पास बन रहा है। अगर हम देखेंगे इसको, यहाँ पे देखिए इसने क्या किया, अपने प्रीवियस यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या किया, इसने अपना रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया है। जैसे ही इसने अपने रजिस्टर में फिर से मुझे दिखा कि रिस्पेक्ट कर रहा है, मैंने वहां पे सीधे एंट्री कर ली, और फिर इसमें बस बना रहा, बस अपना, बस मैंने क्या करता रहा, यहाँ पे जब जहाँ से स्टॉक जाता है वहां तक इसको मैंने जाने दिया, और ये जाते जाते ये लगभग करीब करीब 4404 के आसपास ये स्टॉक गया, पर मैंने इसको 4064 में ही इसको एग्जिट कर लिया, क्योंकि मैं 3320 तक नहीं बैठ सकता था, इस मैंने इसको लगभग 3 10 तक ही एग्जिट कर लिया। फिर अपना लास्ट स्टॉक होता है जुबिलियन। अभी इसमें अगर हम समझने की कोशिश करके मैंने कहाँ पे है, पहले इसको हम सबसे पहले डेली चार्ट में देखें दोस्तों। ये डेली चार्ट में अगर हम देखेंगे ना, तो यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा था। अभी देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा था, तो मैंने इस स्टॉक में किस पे ट्रेड किया है, ब्रेक डाउन पे ट्रेड किया है। तो यहाँ पे अगर हम इसको 15 मिनट चार्ट में देखेंगे ना, तो यही देखिए, वन यहाँ पे एक पहला मीन, फिर यहाँ पे दूसरा, फिर यहाँ पे तीसरा, और यहाँ पे ये फोर्थ में जब आया ना, इसने क्या किया, ब्रेक किया है, राइट। अभी इसने क्या किया था, 5 मिनट की जैसे ये कैंडल है, इसके अंदर ही क्या है, वो क्या इसने कंसोलिडेट किया है। जैसे ही इसने अपने डे के लो को, जो फर्स्ट कैंडल का लो है, उसको ब्रेक किया, मैंने वहां पे एंट्री कर ली, पर इसमें क्या होगा, एसएल हिट हो गया, तो इसमें मैंने फिर एसएल दे दिया मार्केट को, चलो वन जान दो, मार्केट ले रहा है तो मैंने दे दिया। यहाँ पे यहीं पे मैंने एंट्री की थी, और हाई को मैंने क्या कर लिया था, एसएल लगाया था, तो इसमें मेरा एसएल हिट हो गया। तो मैं आपको मेरा अभी पीएनएल दिखा, अगर देखेंगे तो फिर भी मैंने दो स्टॉक में मुझे लॉस हुआ है, फिर भी मुझे क्या हुआ है, प्रॉफिट ही हुआ है, मतलब 241 के लगभग मुझे क्या हुआ है, आज प्रॉफिट हुआ है। दो स्टॉक में मुझे प्रॉफिट हुआ है और दो स्टॉक में मुझे लॉस हुआ है, पर अगर आप देखेंगे मेरा रिस्ट हुआ, दोनों स्टॉक में जो लॉस हुआ है और जो दो स्टॉक में मुझे प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट मेरा दोनों स्टॉक से जो लॉस में जो ट्रेड थे मेरे उससे ज्यादा ही हुआ है, इसलिए मैं क्या हूँ, प्रॉफिट में हूँ। तो यहाँ पे मैंने मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड को मैनेज किया है, और रिस्क टू रिवॉर्ड को मैनेज करने की वजह से क्या है, मैं अभी प्रॉफिटेबल भी हूँ। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।